TNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। वो यार पीछे आ जा रहा है, इधर आ जा, पीछे ओके जी सर, आपके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक। प्लीज साइलेंट हो जाए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे कांग्रेस के साथी मेरे वाले रूम में चले जाए प्लीज, साथी चले जाए प्लीज वहां पे, ताकि प्रधान जी और दोनों को मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत कांग्रेचुलेशन, प्रभु आपको बहुत लंबी तरक्कियां इससे भी ज्यादा। साथियों सबसे पहले मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद, आप आज यहां पर इस मौके पर आए। मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का, हमारे बहुत ही हरमंत प्रिय लोकप्रिय नेता और चंडीगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे भाई मनीष तिवारी जी का, सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को जो मंच पर बैठे हैं या सामने खड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 12 जून 2022 को मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी थी और तब से लेकर अब तक मेरी कोशिश रही है कि पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए, पार्टी को मजबूत बनाया जाए और उस परमपिता परमात्मा की भी बड़ी अनुकंपा रही है कि हम पिछले समय में मेरे कार्यकाल के दौरान पहले यूनिवर्सिटी का चुनाव एनएसयूआई का हमारी जीती 600 वोट से, जब भाजपा और दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री यहां पर बैठे थे और सैकड़ों करोड़ों रुपया यहां पर लगा रहे थे, हमने बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ चुनाव लड़ा और वो चुनाव में अच्छी जीत हुई। मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, उसमें जीत हासिल हुई। उसके बाद एफएनसीसी का चुनाव हुआ, 3 सीटें हमें मिली जो हम लड़ना चाहते थे, तीनों में हमारी जीत हुई। और अब पार्लियामेंट के अंदर एक तरफ भाजपा सरकार की यथा ताकत, मोदी सरकार का एक बनाया हुआ बलबला, एक झूठा गुब्बारा, 400 पार सीटें आ रही हैं और जिस तरह का धन बल का उपयोग यहाँ पे हुआ और बहुत सीमित संसाधनों के साथ हमने चंडीगढ़ के अंदर भी चुनाव लड़ा, मनीष जी की छवि पर, इनकी ईमानदारी पर, हमारी पार्टी की नीतियों पर, गारंटियों पर और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आप सबने देखा कि किस तरीके से तमाम मुश्किलों के बावजूद हम लोकसभा में चुनाव के अंदर जीतने के अंदर जो है कामयाब हुए। और मनीष जी ने चुनाव के बाद 2 दिन बाद ही मुझे टेलीफोन आता है और मुझे मनीष जी ने कहा कि पार्टनर मिलना है। मनीष जी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ब्रदर या पार्टनर। और जब मेरे पास 11 बजे का समय दिया, एक तो समय के बहुत पाबंद है, अगर आपको ये 9 बजे का समय देंगे तो 8:59 पर आपके दरवाजे पर होंगे। आप भी कई बार सोचते हैं इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम IST जैसे होता है कि भाई यार आधा घंटा आगे कर लो, ये पूरे समय पे आपके पहुंच जाते हैं। 11 बजे ये मेरे साथ थे और इन्होंने कहा अपना फोन बंद कर लो और जेब से मैनिफेस्टो निकाल लिया। आप इनकी
काम करने की इच्छा शक्ति और नीयत समझ सकते हैं कि दूसरे दिन मुलाकात कर रहे हैं और वन टू वन मीटिंग की, उसके अंदर उन्होंने मैनिफेस्टो निकाल लिया और मैनिफेस्टो निकालने के बाद कहा कि हम किस काम से शुरुआत कर सकते हैं। कि ये मैनिफेस्टो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, मेरे लिए ये बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और जो हमने ये लिख के दिया है लोगों को तो इसका कुछ मतलब है, हम इस मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। और इसमें शुरुआत कहां से हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसके बारे में जरूर हम आज चर्चा करें। 2 घंटे तक हमारी काफी अच्छी चर्चा हुई, एक रोड मैप अपने तैयार किया चंडीगढ़ के कामों को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन से काम संसद में मनीष जी उठाएंगे, कौन से लोकल लेवल पे करने पड़ेंगे और कौन से जो है हमारे संगठन को उठाने पड़ेंगे। एक बड़ी विचित्र बात हुई इसमें कि जैसे ही मनीष जी बने 2 दिन बाद चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का JERC का एक फरमान आ जाता है कि 20% जो है वो बिजली के रेट बढ़ा दिए जाएंगे। ना पुराने MP को पूछा, ना नए MP से बात की, ना कॉरपोरेशन के 35 इलेक्टेड काउंसिलर से बात की। मनीष जी ने उसी समय अपना प्रोटेस्ट उसमें रजिस्टर कर दिया और कहा कि पर उन्होंने कहा ये तो अभी प्रपोज्ड है, उसके अंदर जहां पे भी हमें कुछ पब्लिक हेयरिंग के अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऑब्जेक्शन फाइल करने पड़ेंगे या कुछ भी करना पड़ेगा, वी विल डू दैट। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आज 2 साल पूरे होने के बाद जो एक कार्यकर्ताओं को हमने चाय पे और आप पत्रकार साथियों को बुलाया था वो खत्म हो गया, इसके बाद काम की शुरुआत हो जाएगी। हम पूरे दिल के साथ मनीष तिवारी जी दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में भी जिस जिस लेवल पर भी चंडीगढ़ की बात हो सकेगी उठाएंगे और यहाँ के लोगों के जो अधूरे काम है, अधूरी चीजें हैं जो चंडीगढ़ के अंदर, उसको पूरा कराने की पूरी जोर से कोशिश होगी। सहयोग केंद्र सरकार से भी लेने की कोशिश करेंगे, पर जितना भी सहयोग मिलेगा हमारी तरफ से कोई कमी प्रयास के अंदर और काम करने के अंदर नहीं होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मनीष जी को कहूंगा कि वो भी 2 मिनट आते हैं। बहुत ही सत्कार्य लखी जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ साथी और पत्रकार साथियों, आप सबसे पहले तो मैं हमारे अध्यक्ष लखी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो उन्होंने आज अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया और जिस हिम्मत से, जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से उन्होंने इस 2 साल में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश की, उसमें एक नई जान फूंकी, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आज हम सब उनके जो 2 वर्ष पूरे हुए हैं उसकी यहाँ पे खुशी जाहिर करने आए हैं। मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से और अपने सारे साथियों की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये हिस्टोरिक पिक्चर मैंने ली थी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।